कक्षा 11वीं 12वीं के छात्र छात्राएं आमा राइट प्रोजेक्ट के तहत फाइल निर्माण एवं प्रश्नों के सटीक हल के लिए इस वीडियो को पूरा देखें। आमा राइट ग्रीष्मकालीन परियोजना के तहत कक्षा 11वीं एवं 12वीं के लिए स्क्रीन पर दिखाए अनुसार 1 से 18 तक प्रश्न दिए गए हैं, जिसके आपको हल करके फाइल तैयार करनी है। दिए गए प्रश्नों में पहला प्रश्न है, शासन की लाभप्रद योजनाओं का आकलन, कोष्टक में आपके गांव / शहर में जो लागू हो। तो यहां पर दिए गए कॉलम अनुसार आपको आपके गांव शहर में जो शासन की योजनाएं लागू हैं उसकी जानकारी यहां पर आपको भरनी है। मैंने यहां पर कुछ एग्जांपल दे रखे हैं, लेकिन आपको आपके गांव में जो योजनाएं लागू है वही भरनी है। और शासन की बहुत सारी योजनाएँ हैं जो कि आपको जानकारी आपके ग्राम पंचायत में सरपंच के माध्यम से या ग्राम सचिव के माध्यम से मिल जाएंगी, तो आप वहां से जानकारी लेकर के इस कॉलम में भर लेंगे। प्रश्न 2 में कहा गया है कि आपके गांव की जनगणना, और यहां पर कॉलम दिया गया है, तो यहां पर आपको गांव की जनगणना करनी है और डेटा जो है कॉलम वाइज भरना है कि आपके यहाँ कुल कितने परिवार है, परिवार के कुल सदस्यों की संख्या कितनी है, उसमें से कितने कृषक परिवार है, शासकीय नौकरी वाले कितने परिवार है, व्यवसाय करने वाले कितने परिवार है और मजदूरी करने वाले कितने परिवार हैं, उनकी संख्या आपको यहाँ पर भरनी है। इसकी जानकारी आपको पंचायत में भी मिल जाएगी, वहाँ पर जनगणना रिपोर्ट होती है तो वहाँ से आप जानकारी ले सकते हो, या फिर आप अपने मित्रों के साथ मिल करके अपने गांव का सर्वे कर यह रिपोर्ट तैयार कर सकते हो, जिसमें कि मुझे लगता है कि आपको ज़्यादा आनंद आएगा और सीखने को भी मिलेगा। प्रश्न 3, औषधि महत्व बूटी एवं पत्तियों की जानकारी। यहाँ पर दिए गए कॉलम अनुसार आपको औषधि पौधों की जानकारी देनी है। वैसे तो सभी पौधे औषधि गुण से युक्त होते हैं, लेकिन फिर भी आपके आसपास जो पौधे सामान्यता मिल जाती है उनका औषधि गुण आप लिख पाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। पौधों की औषधि गुण की जानकारी के लिए आप अपने बड़ों से पूछ सकते हो। उसके अलावा आपके गांव में कोई आयुर्वेद का चिकित्सक होगा या कोई वैद्यराज होगा, उनसे भी आप पौधों की औषधि गुणों के बारे में, जड़ी बूटियों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर कुछ नाम दिए हैं और उन कहाँ पाए जाते हैं उपयोग, वो मैंने यहाँ पर लिख करके रखे हैं, आप इसे देखकर समझ सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 4, किन्हीं 10 देशों के मुद्रा का नाम लिखें। यहाँ पर भी कॉलम दिया गया है जिसमें कि हमें देश का नाम, मुद्रा का नाम, भारतीय मुद्रा रुपये में मूल्य, ये हमको लिखनी है। मैंने यहाँ पर 10 देशों के नाम, उनके मुद्रा के नाम और भारतीय मुद्रा के अनुसार उनका कितना मूल्य होगा यहाँ पर दर्शाया है, स्क्रीन पर देखकर आप यहाँ से लिख सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप अन्य देशों की मुद्रा और उसका भारतीय मूल्यों के अनुसार कितना रेट है यह आप गूगल से प्राप्त कर सकते हैं। आप इंटरनेट के माध्यम से गूगल करके जानकारी हासिल कर सकते हैं। प्रश्न 5, अपने आसपास की सामग्रियों से कोई 5 उपयोगी वस्तुएं बनाइए। इसे कहते हैं कबाड़ से जुगाड़, मतलब ऐसी वस्तुएं, ऐसी सामग्री जो दूसरों के लिए व्यर्थ है उससे कुछ ऐसा चीज़ बनाना जो कि उपयोगी हो, ठीक है। तो व्यर्थ के सामान से उपयोगी सामान बनाना, उसे हम कहते हैं कबाड़ से जुगाड़। चूँकि आप 11वीं 12वीं के छात्र छात्राएं हैं तो मुझे लगता है कि आप यह बहुत अच्छे से समझते भी हो और बहुत अच्छे से कर पाओगे। मैंने यहाँ पर कुछ एग्जांपल दे रखा है, जैसे कि हम व्यर्थ के सामानों से हम पक्षी घर बना सकते हैं जो कि पक्षियों के रहने के लिए काम आता है, जैसे कि हम लकड़ी के गत्ता और फेविकोल प्रयुक्त करते हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार से कॉलम को भर लेना है। मैंने यहाँ पर अन्य एग्जाम्पल में वाटरिंग कैन, गमला, जल शुद्धिकरण यंत्र या फिर वाटर फिल्टर और नाली सफाई यंत्र, इस प्रकार से मैंने कुछ एग्जाम्पल दिए हैं। आप और अच्छा कर सकते हो अगर कोई अपने घर या अपने मोहल्ले या गांव में काम आने वाला कुछ उपयोगी सामग्री आप बना पाओ तो ज़्यादा अच्छा होगा।
प्रश्न 6 में कहा गया है अपने गांव का नक्शा बनाइए जिसमें प्रमुख स्थानों का उल्लेख हो। गांव का नक्शा बनाना बहुत ही मज़ेदार और रुचिकर काम है। आपके गांव का एरिया कहाँ तक आता है, ना केवल बसाहट बल्कि खेत खार भी, जंगल भी, नदी पहाड़ भी, तो कहाँ तक आपका एरिया है वो आपके ग्राम पंचायत में आपको नक्शा मिल जाएगा। आप वहाँ से एक बार नक्शा देख सकते हो, ठीक है। उसके अलावा आप स्वयं जो है नक्शा ड्रा कर सकते हो। नक्शा ड्रा करते वक्त ध्यान इतना ही रखना है आपको कि उत्तर की जो दिशा है वो हमेशा नक्शे में ऊपर की ओर होती है, तो जब आप मैप बनाओगे तो ऊपर की ओर उत्तर की दिशा रहेगी। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, ये एग्जाम्पल के लिए है जिसमें कि आपको रोड, कुछ घर और कुछ प्रतीक चिन्ह दिख रहे हैं। ये प्रतीक चिन्ह क्या है इसके बारे में कॉर्नर में अलग से बताया गया है, ठीक है। तो आप भी अपने गांव का मंदिर, स्कूल, चिकित्सालय आदि आदि को आप प्रतीक चिन्ह के माध्यम से कॉर्नर में नीचे की ओर दर्शा सकते हो, ठीक है। दूसरा इस प्रकार से एक और मैंने एग्जाम्पल दिया है जिसमें कि आपको एक चौराहा दिख रहा है, उसके अलावा कुछ घर दिख रहे हैं और बहुत सारे खेत आपको दिखाई पड़ रहे हैं। तो इस प्रकार से आप नक्शा बना लोगे। इस वाले जो पिक्चर है उसमें आपको ऊपर लेफ्ट की ओर दिशा सूचक भी दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पर आप दिशा को भी दर्शा सकते हो, ठीक है। आगे के उत्तर के लिए आप वीडियो का पार्ट 2 देखें जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने मित्रों के साथ शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।